और अब बात भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा आज निकाली जा रही है। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई, लेकिन अहमदाबाद में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसकी वजह से अहमदाबाद मंदिर परिसर के अंदर ही भगवान जगन्नाथ का रथ घूमेगा। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने सुबह सुबह भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में पहुंचकर उनके दर्शन किए। तो भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा आज पुरी में निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दे दिया है, लेकिन सशर्त ये आदेश दिया गया है। 11 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं, लेकिन उधर अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंदिर के बाहर नहीं निकलेगी। अहमदाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई, कहा कि पुरी की हालत में और अहमदाबाद की दशा में बहुत अंतर है। जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है, लोगों की सुरक्षा की वजह से ये फैसला लिया गया है और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अहमदाबाद में मंदिर के बाहर नहीं निकलेगी। ये तस्वीरें आप पुरी की देख रहे हैं, जहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। इसमें सिर्फ पुजारी और पुलिस वाले ही शामिल होंगे, इसके अलावा आम लोगों के शामिल होने पर मनाही है। और ये देखिए, ये अहमदाबाद की तस्वीर है। अहमदाबाद में जो रथ यात्रा है वो मंदिर परिसर में ही रहेगी, मंदिर परिसर के बाहर ये रथ यात्रा नहीं निकलेगी। गुजरात हाई कोर्ट का आदेश है, कोरोना महामारी की वजह से लोगों की सुरक्षा को लेकर ये फैसला किया गया है। कोर्ट ने कहा कि पुरी और अहमदाबाद में कोरोना के हालात की तुलना नहीं की जा सकती, और साथ ही साथ रूपाणी सरकार को फटकार भी लगाई कोर्ट ने और कहा सरकार ने ऐन वक्त में अपना स्टैंड आखिर क्यों बदला। सीएम विजय रूपाणी जब जगन्नाथ मंदिर पहुंचे तो हमारे संवाददाता निर्णय कपूर भी अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। मंदिर के प्रांगण में तीनों रथ जो हैं वो आकर खड़े हुए हैं। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के तीनों के रथ जो हैं वो जैसे हर साल रथ यात्रा में निकलने के लिए तैयार होते हैं, वैसे वो तैयार हैं। पूरी तरह श्रृंगार करके भगवान अपने रथ में विराजमान हैं। इस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री खुद वहाँ पहुँचे हैं पहिंद विधि के लिए। पहले वो भगवान की आरती उतार रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ, और सोने के झाड़ू से भगवान के रथ की सफाई होगी। लेकिन इस बार उसके बाद की विधि जो है वो कुछ अलग होगी, क्योंकि ये रथ यात्रा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हो रही है। ये रथ यात्रा कोविड के संक्रमण काल में हो रही है, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने इन रथों को मंदिर से बाहर निकल के नगर यात्रा की परमिशन नहीं दी है। इस बार जो अहमदाबाद की जनता है उसे रथ यात्रा में भगवान के दर्शनों का लाभ अपने घर बैठे टीवी के जरिए मिल पाएगा या दूसरे माध्यमों से मिल पाएगा, लेकिन जो भगवान खुद दर्शन देने के लिए निकलते थे लोगों के घरों के पास से अहमदाबाद की सड़कों से गुजरते हुए, वो इस बार संभव नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं बाकी तमाम जो रिचुअल्स हैं वो उसी तरह से परफॉर्म किए जाएंगे यहाँ पे। तो भले ही आप नहीं पहुंच पाए जहां ये रथ यात्रा निकल रही मंदिर प्रांगण में, लेकिन आप इंडिया टीवी पर बैठकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन जरूर कर सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद